भोले बाबा की कृपा से सुबह सुबह सांप के दर्शन हो गए आज भी। दिख रहा है आपको? भाई मुझे तो फोन में दिख नहीं रहा, कहाँ है? तो अंधेरा बहुत है कुआ में। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सुबह के 8:15 बजे हैं और आज मैं दोबारा से घर से बाहर निकला हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए। अभी जंगल में हूँ मैं। एक बार सुबह निकला था घर से 6:30 बजे, फिर 7 बजे घर को वापस पहुंच गया क्योंकि फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, वीडियो अपलोड हो नहीं पाई। पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम आ रही, सुबह से ना तो जियो में नेट चल रहा है ना ही आइडिया सही ढंग से चल पा रहा है। अभी 8:15 तो बज चुके हैं, देखता हूँ 9 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाए। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मेरा जो व्लॉग है वो 9 बजे आ जाए, लेकिन अब गाँव का माहौल है, इंटरनेट का दिक्कत रहता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता, तो वीडियो आगे पीछे भी हो जाती है। और अभी मैं जिस लोकेशन पर हूँ, गाँव से करीब 500 मीटर दूर है और इधर साइड में हमारा खेत है, वैसे भी हमें आते हैं, लेकिन मैं 2 दिन से आ नहीं रहा क्योंकि मेरा हाथ कट गया था। तो अभी मैं जिस जगह पे हूँ, यहाँ पे पीछे ये काली माँ का मंदिर है और इसके ठीक सामने ये छोटा सा कुआं है, ज़्यादा गहरा नहीं है, जिसमें मैंने अभी आपको सांप दिखाया था। तो बरसात के मौसम में सांप निकलते रहते हैं, कल हमारे घर में निकल गया था। खैर ज़्यादा बड़ा नहीं था, बच्चा ही था वो। चिड़िया ने कोलाहल मचा रखा है, यहाँ भी हैं कुछ, वहाँ बोल रही हैं सामने। तो फाइनली 9:18 पर वीडियो पब्लिक हो पाई है और अभी मैंने लोकेशन भी चेंज कर दिया, पीछे गैया मैया चारा चल रही हैं, चलते अब घर। सुबह जब मैं घर से गया था तब तो एकदम सही था ये, लेकिन आगे पहुँचा हूँ तो सब एकदम खाली कर दिया, यहाँ से ज्वार काट ली और जितना भी घास फूस था सब उखाड़ दिया। अब इसमें मम्मी कौन सी फसल लगाएंगे हम? अब बर्ची और या फिर रिजका, ये कहा है मूंगफली। ओहो देखो ये मूंगफली का पेड़ है, एक साथ में मूंगफली का पेड़ भी उखड़ गया। मूंगफली के पेड़ में छोटी सी मूंगफली देखिए ऐसी होती है। अभी मम्मी बच्चा है ना बिल्कुल, ये खा लूँगा। इसको टेस्ट करते हैं, मीठी लग रही है तो एकदम। यहाँ पे कुछ ग्वार के पेड़ हैं, नीचे के साइड में मूँगफली के पेड़ में जिनमें पीले पीले पत्ता हैं, एक भिंडी का पेड़ है यहाँ पे, और इन ग्वार के फली के पेड़ में से मम्मी ने ये कुछ फली तोड़ी हैं, इनके बनाएंगे हम सब्जी। ये है एकदम ऑर्गेनिक फूड, इसमें कोई भी दवा मिलावट नहीं है, इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं लगाया। मार्केट में जो सब्जियाँ आती हैं उनमें बहुत ज़्यादा दवा वगैरह का उपयोग होता है। आज तो हमने सब्जी बना ली है तो इनकी सब्जी हम कल बनाएंगे। हमने बना ली है घिया के कोफ्ते की सब्जी और इस सब्जी को देखकर मेरे मुँह में लार आ रही, लेकिन आज मैं ये सब्जी खाऊँगा नहीं। और सब्जी क्यों नहीं खाऊँगा वो आपको पता चल जाएगा, बने रही मेरे साथ ब्लॉग में। सुबह के बज गए हैं 10 और हम नहा धोकर हो गए हैं रेडी। जैसा कि आप सभी को बता भी, कनागत का टाइम चल रहा है, कनागत 15 दिन के होते हैं। कनागत के टाइम पर जो है पितरों को भोग लगाया जाता है, जिसको हमारे यहाँ हाथे बोलते हैं और कई जगह श्राद्ध बोलते हैं। मेरा निमंत्रण आया तो वहीं मैं जाने वाला हूँ। वैसे तो खैर श्राद्ध में पंडित लोग जाते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन पंडित पूजनीय होते हैं तो जाट देवता होते हैं, तो हम देवता हैं, हम भी आज जा रहे हैं। तो विष्णु ने कल मुझे फ़ोन किया था शाम को कि कल यानी कि आज के दिन मुझे वहाँ पे 9 बजे पहुँचना है, लेकिन अभी 1 घंटा लेट होगा। उसका 2 बार फ़ोन आ चुका है कि यार इतना लेट क्यों हो गया। हमने कहा भैया इंटरनेट नहीं चला, बस ऐसे ही जंगल भटक रहे, इंटरनेट चलाने के चक्कर में वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाई थी, मुश्किल से वीडियो अपलोड हो पाई। फिर घर आके नहा धो के रेडी होके अभी निकलते हैं। देखिए हमारी बाइक की चाबी का क्या हाल बन गया है, एक पल्ला के 2 पल्ला हो गए। ऐसे रास्ते पर हूँ जहाँ पे वीडियो बना नहीं सकता, देख सकते हैं आप कितना ख़राब रास्ता है। एक श्रीमान का 2 दिन कमेंट आया था कि भाई आपके वहाँ बाजरा होता है या नहीं होता बताइएगा, तो आज इस बात का खुलासा कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये रास्ता दिखा देता हूँ, वहाँ पे आपको एक गड्ढा दिख रहा होगा और बाइक के सामने भी गड्ढा है, आगे तो और भी ज़्यादा गहरे गहरे गड्ढे हैं इसमें। तो चलिए बता देता आपको फसल के बारे में। इस खेत में आप देख सकते हैं ये ज्वार की फसल खड़ी है, इससे अगले खेत में आप देखेंगे यहाँ पर तो ये है बाजरे की फसल, और आगे चलेंगे तो आगे भी रुक के बनाएंगे वीडियो। और बाजरे के खेत के ठीक सामने यहाँ पर ये है ढेंचा की फसल, तो हमारे यहाँ देख लो ढेंचा भी होता है। और चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको, थोड़ा आगे और चले हम तो यहाँ पे भी ज्वार का खेत है, ये ज्वार पक रही है अभी। और इधर जस्ट पास में आप देखेंगे तो ये कपास का खेत है, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको रुई दिख रही होगी, इसको आप रुई की खेती भी बोल सकते हैं। और इसके ठीक सामने यहाँ पे जो ढेंचा है ना ये काफ़ी बड़ा है, और साथ ही साथ आप इस रोड में गड्ढे भी देख सकते हैं, गड्ढे दिखाना ही बहुत ज़रूरी है।
देखिए वहाँ और ज़्यादा गहरे गड्ढे हैं। अरे यहाँ भी चिड़िया बोल रही है, दिखाई तो दे नहीं रही कहाँ है। खरीफ की फसलों में कुछ फसलें आप देख चुके हैं, इसके अलावा में थोड़ा बहुत तिलहन भी हो जाता है हमारे यहाँ। इसके अलावा में कुछ दालें हो जाती हैं, दालें मतलब नॉर्मली घर खर्च के लिए थोड़ा बहुत हो जाती हैं। और रबी की फसल की अगर बात करें तो रबी की फसल में हमारे यहाँ पे मुख्य रूप से सरसों और गेहूँ की खेती होती है, इसके अलावा जो भी हो जाते हैं थोड़े बहुत। और चावल की अगर बात करें तो हमारे यहाँ चावल कतई नहीं होता 1% भी। आप कमेंट भी करते हैं कि आप दाल चावल क्यों नहीं खाते, तो यही मुख्य रीज़न है, हमारे यहाँ कोई भी दाल चावल नहीं खाते, बस गेहूँ की रोटी खाते हैं। साथ में अगर ज़्यादा तेज़ सर्दी है तो सर्दियों के टाइम पे बाजरे की रोटी खाते हैं। तो हमें हुए थोड़े से लेट और विष्णु ने आते ही भोजन लगा दिया। भोजन का क्या बात है भाई साहब, सब्जी पूरी खीर। तो हमारे गांव में जो टावर पकड़ते हैं ना, वो विष्णु के गांव से पकड़ते हैं। आज क्यों नहीं पकड़े टावर? टावर आज ऊपर तक ही ना रहे। ऊपर से मतलब भगवान के वहां से? नहीं सिर्फ यहाँ टावर में प्रॉब्लम है, हमें इन्वर्टर पे बैठ रहा है ना, कोई चोर लगो। लो भाई मैं टावर के बैटरी चोरी हो गए, अब बताओ क्या करें। जैसे लाइट वाइट ना आवे तो फिर ट्रैक्टर जनरेटर लगाना। अब कैसे चल रहा है टावर? अब तो लाइट से चलो, अब सही तक काम कर रहा है। सही चल रहा है, जब तक लाइट आ रही है तब तक टावर सही काम कर रहा है, लाइट चली जाएगी तो फिर टावर काम नहीं करेगा। चलो तब चलते हैं। कितना टाइम हो गया यार, 12:15 बज गए। ये है आर्या, तो आर्या ये विष्णु उनके घर पे ही हो जाते हैं। नोहरे में बो रखे तुमने? नोहरे हमारे उनके कई फल बो रखे। ये तो सुन, देख बतख जैसा बन रहा है ना, बतख जैसी सेब एकदम रख दे दबे करी यार मोटरसाइकिल है। हम दोनों कहीं पे मिल जाएंगे एक दिन, उम्मीदों पे ही हूँ मैं जिंदा। हम रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुके हैं, यहाँ पे किसी की भैंस आ गई भाग के, भैंस और गाय, और पीछे से पिकअप आ रही। देखो पिकअप कैसे ऊपर नीचे हो रही है गड्ढों की वजह से। और ये तो सहलू है, मैंने कहा यार कौन की पिकअप है? ये हमारे गांव की पिकअप थी, हमको मालूम ही नहीं था, ड्राइवर देख के मालूम पड़ा, फिर पीछे लोग बैठे थे वो खड़े थे, सभी गांव वाले थे। मैं इसकी वजह से रुक गया भाई थोड़ी देर, ये यहाँ पे धूप में खड़ा है, कान में ईयरफोन लगा के, तो छाया में खड़ा होना चाहिए। ताई कहते भैंस भाग गई, अरे ऊँट जा रहा है, ऊँट देख के भागी है भैंस। भाई ऊँट तो जानवर ही है, सोए तगड़ो ही है, आजकल है वैसे ना ऊँट, बहुत कम है देखने को मिले, तो ऊँट देख के तो भागेंगी। तुम्हारे ऊँट दी से मोस लगे शराब ले गए। अब देख एक गाड़ी और आ रही है, ई बी एस यहाँ भाई धीरे धीरे, ये हम गाड़ी और टक जाए भाई साहब, आगे पंप टक जाए। हाँ बहुत बेकार रोड है रोया टाइम, लेकिन भैया कोई ना आए, और बरसात के मौसम में तो रिपटे हो रहे हैं, इतने को पहुंच जा पानी भरो रहे ना हमें। तेरा ऊँटे देख के हमारे गाँव की भैंस और भग गई। 1:15 12:30 में घर आके पहुंचा था, आते ही मैंने हाथ पैर मुँह धोए, हो गए एकदम रेडी घर जाने के लिए, लेकिन मम्मी तुरंत एक काम बता दिया कि जाओ भैंस पड़िया और पड्डा तीनों को खोल के दूसरी जगह बांधो। आज मम्मी कही सुबह इन्होंने कम चारा खाया था तो जल्दी बांध देते हैं, बाकी हम 1:30-2 बांधते हैं, तो चलिए इनको पहले बांधते हैं। हाँ तुम्हें खोलने तो आया हूँ, चलो। हाँ हाँ रुक जा रुक जा, बहुत जोर कर रही है, टाइट है रही है, पड़िया रुक जा, चल 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 चल, ये सही है, यहीं गोबर कर दिया मैंने। चलो तुम भी चलो चलो चलो, लाला ओ लाला अरे लाला ओ लाला रुक जा, ओ लाला रुक जा, चल भाई वाह बेटे वाह बेटे वाह बेटे वाह वाह चले आ वहां चल लीजो।
ओ चल चल पान पिए होगा। इनको पान ना पाओ मियाँ, देखो यहीं चरने लग गई, खूंटा बनी जा रही। वन को चारों डाल रखे हूँ मैंने। नहीं चरे है ना जब तो कोई नजीक ना आंदे। बिल्कुल नोहरे का मेरा काम होगा कंप्लीट। अभी चलते हैं घर और आज मुझे डेढ़ फिल्म देखनी है। सोच रहे होगे डेढ़ फिल्म कैसी होती है, तो डेढ़ फिल्म इस प्रकार से है। कल मैंने एक फिल्म आधी देख ली थी तो उसको कंप्लीट करना है और दूसरी फिल्म को आज पूरी देखना है। दोनों फिल्मों का नाम मैं आपको क्रम से बता देता हूँ। पहली फिल्म है शेरशाह जिसको मैं आधी देख चुका हूँ और उसके बाद देखूँगा अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। पापा जी किवार खोलियो, हमको पता नहीं था पिताजी भी हैं यहाँ पे। मालूम पड़ा अंदर से कुंडी लगी हुई है। शाम के बज गए हैं 5 और आज मेरा 2 फिल्में देखने का टारगेट था लेकिन अभी एक ही फिल्म देख पाया हूँ। शेरशाह फिल्म मैंने पहले कंप्लीट कर ली क्योंकि शेरशाह में पहले आधी देख चुका था। और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, पहली बात तो ये फिल्म ही 3 घंटे और 5 मिनट की, जिसमें से मैं लगभग 2.5 घंटे से ऊपर देख चुका हूँ। अभी 30 मिनट की शेष है, उसको मैं रात में देखूँगा। तो आप सभी से मेरी बस यही गुजारिश है कि आप भी ये दोनों फिल्में देखिए, बहुत ही शानदार फिल्म है। देशभक्ति को पढ़ें दोनों फिल्में, फिल्में देख कर एकदम जुनून आ जाता है। और यहाँ पर भी मैं आया हूँ तो यहाँ भी मुझे आर्मी की रेस होती हुई मिली है। अनु, किट्टू और रवि तीनों दौड़ लगा रहे थे कि यहाँ पर इन्होंने नंबर भी लिखे, यहाँ पर इन्होंने नंबर भी लिखे हैं। बीच में है 1, उधर है 2, इधर है 3। ओए अब दूसरे नंबर बना लिए तुमने, पहले वहाँ नंबर बना रखे ना। अब देखो पहले उन्होंने वहाँ नंबर बना रखे थे, अभी यहाँ नंबर बना लिए। रवि इनको गाइड भी कर रहा साथ में, को ऐसे दौड़ होती है। चलो भागो, अनु रहेगी सबसे पीछे। कौन आएगा सबसे पहले मेरे पास, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी। किट्टू जीत गई, किट्टू जीत गई, रवि सबसे पीछे रह गया। कौन, दोनों ना जीते, अभी किट्टू जीती है बस, अनु हार गई। एक बार दोबारा रेस लगाओ कौन जीते अब की बार, जाओ जल्दी। ओए ओए रुको रुको रुको, मैं बोलूंगा 1, 2, 3 जब जाइयो। देखो अरे रुक जा, 1 अरे 3 तक बोलूंगा, यही रुको, पोजीशन मारा सब, मैं बोलूंगा 3 तक, 1, 2, 3 एक। ये नहीं भागेंगे पोजीशन से। अब तुम दोनों में से देखता हूँ कौन आएगा पहले, जल्दी आओ। अनु बक्का शाबाश, अनु रह गई, अनु हार गई, अनु हार गई रे। रवि आ गया पहले, से नहीं भागा जाता, वो दोनों भाग रहे, देखो वो दोनों भी भाग गए। तुम जो सबसे पीछे रह जाते हो तुम हार गए, तुमको नाम नहीं मिलेगा। अकेली भाग के आ गया, सांस फूल गई का, पानी पीला है, ओ पानी पीला है, सांस फूल गई तो गला सूख गया, कोई बहुत मेहनत करी, देखिए पसीना भी आ रहा है यहाँ तो। जब भीतर जा वहाँ पानी पिएगा, चल तेरे सांस फूल रही है का, अन्नू की भी सांस फूल रही है, ये भी हैरान हो किट्टू, हाँ सबकी सांस फूल गई। सो फाइनली आज हमारी कुंडी टूट गई, इसमें से 2 टुकड़े हो गए। मम्मी करीब 10 दिन हो गए होंगे समथिंग, है ना, 10 या 15 दिन पहले ना मैं इसमें छिद्र कर रहा था, एक इसमें कहीं छिद्र नहीं था, बरसात में पानी भर गया था, तो छिद्र करने के चक्कर में इसमें से 2 टुकड़े हो गए। मम्मी कह रही है इस वाले हिस्से को दीवार के बगल में लगा दो और इस वाले हिस्से को घुमा के ऐसे लगा दो। चलो करते हैं इसको सेट हो जाए तो। शाम के 6 बज गए हैं और 6 बजे हमारा खाना आ गया, जल्दी खा रहे थे उसके बाद फिर दूध पी लेंगे। तो खाने में आज हमारे सुबह जो मैंने आपको सब्जी दिखाई थी कोफ्ते की सब्जी,
सुबह मैंने आपको बताया था कि घिया के कोफ्ते की सब्जी है, और मेरे आज कमेंट भी पढ़ा था, भाई कह रहे थे कि घिया क्या होता है, तो भैया घिया को अंग्रेजी में लौकी बोलते हैं, हम तो हिंदी में बात करते हैं, गांव में अंग्रेजी में बात नहीं करते हैं। तो कोफ्ते की सब्जी है, ये वाली कोफ्ते की सब्जी है, घिया के कोफ्ते की, और ये है नमकीन टमाटर की सब्जी और रोटी, और ये देखो, हाँ कह रो रही है, अच्छा बात छोरी है, पीट के आप गाना गा रहे हो ना, तूने बताया छोरी है पीट के गाने और गा रहे हो, तेरे शर्म कैसे ना है, ओ अरे बेजार मुंह में मुसर दे रहे हो, शाबाश दे आग पीट है, अरे दे आग, अरे बिंदु अनन बिंदु ले ली भाई।